आज हमारे जवान अरुणाचल को चाइना के कंट्रोल में जाने से रोकने में जुटे हुए हैं और हम में से ही कुछ लोग कहते हैं अरुणाचल तो चाइना का ही हिस्सा है। दो दिन पहले इस यूट्यूबर ने जो किया उससे सभी भारतीयों को और अरुणाचल को बड़ा दुख हुआ है। चलो मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। अरुणाचल के एक MLA ने हमारे PM को एक रिक्वेस्ट की कि बैटल ग्राउंड का जो गेम है वो भारत में लॉन्च ना करें। उनका ओपिनियन शायद सही हो सकता है या गलत भी हो सकता है, लेकिन पारस ने अपने YouTube चैनल पर इसका जो रिएक्शन दिया है वो निश्चित रूप से गलत है। चलिए आप खुद सुन लीजिए और अंत में कमेंट में जरूर बताना। एक तो पहले इनकी फोटो देखो आप, मैं इनकी फोटो दिखाता हूँ आपको, ये आपको इंडिया के लग रहे हैं? सही सही बताना कमेंट करके, मेरी वीडियो जितने भी बंदे देख रहे हैं आप मेरे को बताना, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई ये इंडिया के हैं। बाकी उसके बाद इनकी बैनर वाली फोटो भी देख लेते हैं हम, इसमें भी मुझे एक भी इंडियन नहीं लग रहा। अब शायद अरुणाचल प्रदेश के बंदे ही ऐसे दिखते हो, मुझे नहीं पता, मैं कभी मिला नहीं हूँ उनसे। और यहाँ पर मुझे अरुणाचल प्रदेश दिख क्यों नहीं रहा भाई, कहाँ गया, किधर को गया? अरे यार ये तो चाइना की साइड में है। ओ हो 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 हो, ये रहा कोने में अरुणाचल प्रदेश, इसके ऊपर भी चाइनीज सिटीज़ हैं, साइड में भी चाइनीज, मतलब ये चाइना वालों का ही है, एक तरह से उन्हीं के साथ ही है, हल्का फुल्का टच होता है।